दोस्तों अभी ना अमेजोन पर एक ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जहाँ पर 15 से 20 तारीख तक आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करते लाइक फोन्स वगैरह की, तो आपको 10% का SBI का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड वो ऑफर देखते हुए हमने परचेस किया है रियलमी की तरफ से आने वाले एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन नार्जो 50 Pro 5G। एंड ये जो नार्जो 50 Pro 5G फ़ोन है, ये हमें काफ़ी कम प्राइस में पड़ा है सेल में, और जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके स्पेक्स हैं, जो इस फ़ोन की क्वालिटी है, वो कई ज़्यादा गुना है अगर हम प्राइस के हिसाब से देखते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड मेरे रिव्यू देखेंगे इसके फर्स्ट हैंड्स कैसा है, और इसका जो डिस्प्ले है, इसकी बैटरी है, जो इतने प्राइस में आता है अराउंड 15,000 के आसपास ही आ रहा है, और इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था वो 20,000 से 22,000 रुपए तक का था। तो यानी ये काफी जबरदस्त डिस्काउंट कंपनी दे रही है, और ये 5G फोन होने वाला है, 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज। ये फोन काफी जबरदस्त मुझे ऊपर से देखने में लग रहा है, और ऑन द बॉक्स जो चीजें लिखी है उन्हें एक बार ट्राई भी करते हैं कि क्या ये रियल है या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिले या फिर कुछ भी अगर हेल्प मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये है हमारे पास अभी फुल एकदम पैक बॉक्स, और इस बॉक्स में अभी पूरी तरफ से एकदम सील्ड है, बिकॉज ये हमने अभी मेरे पास आए हैं, 2-3 फ़ोन और भी रखे हैं इसी के, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो सबसे ना हम एक बार नाइफ को निकालते हैं बाहर और इसके सील को ब्रेक करते हैं इस तरीके से, फ़ोन को निकालते हैं बाहर। ये ओपन हो गया है, और ओपन होते ही यहाँ पर ना फील द पावर, मतलब आप इनकी पावर को फील कर सकते हैं। नार्जो वाई रियलमी ऊपर कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है। अगर इस बॉक्स की हम बात करते हैं तो इस बॉक्स में आपको एक केस देखने को मिल जाएगा आई थिंक, और केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक केस है, और इसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल जाती हैं। और ये है हमारा एक सिलिकॉन सा प्लास्टिक बैग केस, और ये ना पीला नहीं पड़ने वाला आई थिंक, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये केस पीला नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी ठीक ठाक केस मुझे लग रहा है। तो ना इसको भी रखते हैं साइड से, देखते हैं बॉक्स में और क्या। और ऊपर हमारे पास आ जाता है ये ब्लैक कलर का फ़ोन, और इसको कलर ना हमने ब्लैक ओपन किया है, ब्लैक कलर कुछ ग्रेट लगते हैं अपने आप में, तो इसको ना भी रख देते हैं साइड से, बट एक बार इसको बूट के लिए बटन इसकी जो है प्रेस कर देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इसके बॉक्स में, तो बॉक्स में हमको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, बट मुझे ना ऑन द बॉक्स क्या बॉक्स के अंदर भी मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई है, जिस प्राइस बजट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था वहाँ पर ना ये चार्जिंग काफ़ी स्लो है, बिकॉज 33 वॉट का चार्जर आता है कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं, और इसी के साथ आपको Type-A to Type-C केबल देखने को मिल जाती है। और ये जो चार्जर, ये 33 वॉट का चार्जर है, जो कि 5000 mAh की बैटरी को 31 मिनट में 50% चार्ज करके दे देता है। तो चलो हम अब फोन पर देखते हैं। तो ये है फोन, इसके ना इसको भी रैपर से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कैसा देखने में लग रहा है ये फोन हमारा। वाओ, ब्लैक कलर एक फर्स्ट टाइम में तो एकदम खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये ना फोन हम किसी के लिए अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ये फोन जस्ट अनबॉक्सिंग का, मुझे किसी को देना भी है, तो मैं सोचा क्यों ना एक बार क्वालिटी चेक की जाए। यहाँ पर ना मुझे ऊपर सबसे पहले एक चीज ऐसी दिखी, यहाँ पर आपको भी नोटिस कराते हैं, ब्लैक डिजाइन तो काफी जबरदस्त है, बट कैमरा थोड़ा ऊपर निकले हुए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा एकदम ऐसा लग रहा है ना आईफोन की तरह, बहुत ज्यादा ऊपर उन्होंने निकाल दिया, बट कोई बात नहीं, इसलिए हमको इसको केस में लगाना पड़ेगा, बिकॉज कैमरे के ऊपर डिजाइन है और डिजाइन के ऊपर कैमरा, तो कैमरा बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। तो आप अगर किसी भी तरीके से रखते हैं इस तरीके से, तो आपके कैमरे पर स्क्रैच आ सकती है, तो उस चीज से आपको बचाना होगा। यहां पर जो स्टिकर ये लगा हुआ है, इसको भी हम रिमूव करते हैं। स्टिकर हटाने के बाद मुझे ऐसा लगा गाइस कि इसका जो बैक है ये थोड़ा ना लूज सा ऐसा लगा कि थोड़ा भारी है, बट कोई बात नहीं, प्लास्टिक बैक है, और फिनिशिंग जो है वो हल्की सी टेक्सचर टाइप में आती है, बट आपको फील जो है काफ़ी ज़बरदस्त देखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपके गंदे यहाँ पर कोई हाथ वगैरह लग के तो प्रिंट बनती है, नो टेंशन, कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आता है। ये लुक आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है इस ब्लैक कलर का, और आपको काफ़ी पसंद आएगा। आगे एक साइड एकदम बड़ी डिस्प्ले है, 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है ऊपर भी कुछ एक रैपर सा लगा हुआ है, तो इसको ना अभी हम नहीं हटाएंगे, पहले हम केवल फ़ोन को जो है ऑन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके फुल स्पेक्स पर। A few moments later. दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग कर ली है एंड हमने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। जी हाँ,
अभी भी जिस हमने इसके डिस्प्ले को, कैमरा को चेक किया है एंड इसके फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैनर को हमने चेक किया है, सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी डिस्प्ले से लेकर इसकी ओवरऑल क्वालिटी की। तो ओवरऑल क्वालिटी में मुझे इसके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर मिल जाती है पावर अनलॉक बटन, लॉक एंड अनलॉक, एंड साथ में राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसी साइड आपको एक सिम इजेक्टर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस फोन में आप एक सिम और एक एसडी कार्ड डाल सकते हैं या फिर आप दो सिम डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऊपर आपको एक आपको सेंसर देखने को मिल जाता है एंड नीचे साइड आपको 3.5 जैक टाइप सी चार्जर एंड स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.4 इंच की फुल एचडी एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है। ये जो डिस्प्ले है अभी हमने इसको चेक किया था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है। नो डाउट आप चाहे गेमिंग करें, फिर आप मूवीज़ देखें या आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करें, इसकी डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एमोलेड डिस्प्ले जो है एक बार अच्छी होती है, लेकिन इस रियलमी के नार्जो 50 प्रो 5G में ज़्यादा बेटर है। और इसी डिस्प्ले में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ रहा है। तो यहाँ पर ना अभी हम जस्ट टैप करते हैं तो बहुत ही फास्ट जो वर्क करता है, फिंगरप्रिंट में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ दिन बाद हम कह सकते हैं फिंगरप्रिंट में थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हार्ड है। लेकिन ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया है कि बहुत से फ़ोनों में एक साल या डेढ़ साल के बाद फिंगरप्रिंट स्लो हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है अभी। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फास्ट है फिंगरप्रिंट। बाकी लॉक फेस आईडी भी आप काफ़ी फास्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे क्वालिटी की, तो गाइस यहाँ पर ना पीछे की साइड आपको 48 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। और इसी ट्रिपल कैमरा सेटअप के पास आपको एक छोटा सा फ्लैश लाइट भी दिया गया है, जिसको आप बहुत ही ब्राइट जो है यूज कर सकते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें कोई नहीं आजकल दिखाता है आपको, मैंने दिखा दिए। और आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और ये 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त फोटोज़ दे देता है। हमने ना अभी कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया, मगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें होता है तो ऑन करके आपको दिखाते हैं। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऊपर की साइड नीचे की साइड आपको बहुत सारे स्पेक्स जो है देखने को मिल जाते हैं। एक एक करके शुरुआत की बात करें, यहाँ पर आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप 1x से 2x तक नाइट मोड में जा सकते हैं। स्ट्रीट फोटोज देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप 16 mm, 24 mm, 50 mm और 120 mm तक के फोटोज़ को शूट कर सकते हैं। इनमें अलग अलग एंगल्स के फोटोज़ जो है आते हैं। बाकी वीडियो मोड में अगर हम जाएँ तो 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं और 1080p के रेजोल्यूशन पर आप 60fps पर शूट कर सकते हैं वीडियो को। बाकी यहाँ पर आपको वीडियो के ऑप्शन में स्लोमो और फास्ट मोड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड साथ में फोटो का ऑप्शन, फोटो में आप 8 मेगापिक्सल का ये जो हमारा 120 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल है इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी फोटोज़ काफ़ी अच्छी आते हैं, जो कि आगे सैंपल में डाल देंगे। और यहाँ पर 2x तक के आप फोटोज़ को शूट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड इस पोर्ट्रेट के ऑप्शंस में आप सेल्फी भी यूज कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी एकदम लाजवाब आती है। क्वालिटी के मामले में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी सैंपल भी आपको दिखाएंगे। बाकी मोर ऑप्शंस में आपको प्रो मोड, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा मैक्रो, फिल्म मोड, स्लोमो मोड, टाइमलेस और डुअल व्यू जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम बजट के प्राइस में बात करते हैं। हम इतने सारे ऑप्शंस को यूज करते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाते हैं कुछ फोटोज़ की क्वालिटी, तो ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं फर्स्ट फोटो हमारी डिस्प्ले पर, ये जो फोटो है ये 48 मेगापिक्सल कैमरे से क्लिक की, और देख रहे हैं काफ़ी जूम करने के बाद भी क्वालिटी में नो डाउट कोई इशू मुझे नहीं लग रहा है अगर हम इस कैमरे की बात करते हैं। बाकी जो ब्लर वगैरह है वो भी ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा लग जाता है। अगर हम ब्लर यानी पोर्ट्रेट वाले फोटोज़ की बात करते हैं, तो एजेस ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर्ड की गई है, कोई भी शार्पनेस में एजेस में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जबरदस्त फोटो आई। मतलब यार बजट को देखते हुए हम बात करते हैं तो फोटो ठीक है, बट हाँ ये इस बजट में मेरे पास तो इससे भी ज्यादा अच्छा कैमरा है, जो कि सैमसंग का M31S, उसमें बहुत ही अच्छे फोटो आते हैं। 64 मेगापिक्सल का कैमरा और यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। बाकी ये जो फोटो है नॉर्मल मोड में, तो नॉर्मल मोड के फोटो की बात करते हैं तो हाईलाइट्स जो है वो थोड़ा कम हो जाते हैं, या फिर हम कह देते हैं या शेडोज जो है वो कम हो जाते हैं। शेडोज जो है थोड़ा और ब्राइट होना चाहिए था, जिससे फोटोज थोड़ा स्मूथ वगैरह आपको दिखे। बाकी ये जो फोटोज़ आप देख रहे हैं ये हमने सब इसी से क्लिक किए हैं। सेल्फीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो सेल्फीज़ में ना एकदम स्किन टोन जो है एकदम हो जाता है सैचुरेटेड सा, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्किन टोन के मामले में नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सादा पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे, थोड़ा ना आपको पिंक सा चेहरा दिखने लगेगा, वो आपकी लाइटिंग के हिसाब से कंपेरिजन होगा। अगर आप डे लाइट में क्लिक करते हैं तो ज़्यादा बेटर फोटोज़ आप क्लिक कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो हम एक देंगे, जो कि रियलमी के सही कैमरे के बारे में डिटेल
डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। बाकी यहाँ पर जो कैमरा वगैरह उसमें नो डाउट मुझे कोई इश्यू नहीं लगा है। अब यहाँ पर हम कैमरा की अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 925G चिपसेट देखने को मिल जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दें कि ये जो प्रोसेसर है 6 nm पर काम करता है और अप टू 2.5 GHz की स्पीड के साथ आता है। और ये जो प्रोसेसर है यहाँ पर आप हैवी गेमिंग, मल्टी टास्किंग कुछ भी कर सकते हैं, मल्टी टैब, मल्टी टास्किंग, क्रोम पर जो भी आपके बहुत ज़्यादा वर्क्स होते हैं वो सारे आप कर सकते हैं, कोई भी आपको हैंग होने की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखेगी। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपनी मेमोरी कार्ड को हमेशा थोड़ा खाली रखना है, पूरा 128 GB को भर के नहीं रखना है, 60 से 70 GB हम कह सकते हैं आप रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, आपका वर्क काफ़ी ज़बरदस्त करेगा। बट फ़ोन खोलते टाइम मुझे एक सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये लगी है इस फ़ोन में कि यहाँ पर ना आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऐप मिल जाते हैं, लाइक बायजूस ऐप है, यहाँ पर आपको जोस ऐप है, मौज ऐप है, ये जो ऐप्स हैं आई थिंक ये रिकमेंडेशन ऐप मुझे नहीं यहाँ पर अच्छे लगते हैं। अगर हमें किसी ब्रांडेड या स्मार्टफोन की बात करते हैं जिसके फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी होने के बावजूद ये ऐप दिए जाए तो वो थोड़ा ना मुझे गलत लगता है। तो ये हम जो है सारे ऐप जो है रिमूव कर देंगे, नो टेंशन। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 12 पर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप इस फ़ोन में भी 12 बजा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम बात करते हैं इनके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ऊपर ये हैप्टिक फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करके फ़ोन में ना थोड़ा हैप्टिक टाइप का फीचर्स आपको मिल जाएगा, लाइक वाइब्रेट सा होगा फ़ोन। बाकी आप ऊपर आपको बहुत सारे सजेशन मिलते हैं, एडिट सिस्टम क्लोनर, वन हैंडेड मोड, या फिर बात करते हैं क्विक लॉन्च के। और फीचर्स के मामले में ना पर्सनलाइजेशन के मामले आप जाएंगे, बहुत सारे फीचर्स भर भर के दिए हैं, फिंगरप्रिंट एनिमेशन एज लाइटिंग एनिमेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लाइटिंग का एनिमेशन है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर्स हैं एंड्रॉयड 12 में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी डिजाइंस, कलर्स, ये सब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ़ोन के बैटरी बैकअप की, तो 5000 mAh की बैटरी है, जहाँ पर आपको 33 W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, 30 मिनट में 50% ये फ़ोन आपको चार्ज करके दे देगा, तो नो डाउट आपको वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी 90Hz की जो स्मूथ डिस्प्ले है ये थोड़ा ठीक है, बट हाँ 120Hz होती तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन 120Hz का काम ये है जब आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी जो स्मूथ यूज होगा। बट अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, और एक सैंपल भी हम आपको डाल देंगे डिस्प्ले का, जिससे आप अंदाज ला सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। बिकॉज अभी जो हम 4K पर वीडियो रन कर रहे हैं, नीचे नेटवर्क स्लो होने की वजह से वीडियो रन नहीं हो पा रही, हम डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर दिखा देंगे। तो नो डाउट, तो ये जो फ़ोन है ओवरऑल अगर इस फ़ोन की बात करते हैं, 17,000 रुपये का इसका अमेजॉन प्राइस है, 2,000 रुपये का डिस्काउंट है SBI के क्रेडिट कार्ड पर, जहाँ पर आप इजीली से ले सकते हैं, मैक्सिमम 2,000 रुपये डिस्काउंट है वो आप ले सकते हैं। तो ये अराउंड आपको 15,000 से 17,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट। वैसे ये 20,000 रुपये के आसपास फ़ोन आता है, और इसका जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें 90Hz की स्मूथ डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले, ये सब फीचर्स की वजह से ये फ़ोन ज़्यादा बेटर हो जाता है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताएं आपकी क्या इस राय है इस फ़ोन के बारे में। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और अगली नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।